हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान चिंतन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9th साइंस, चैप्टर 8 मोशन। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इंडेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 102। क्वेश्चन नंबर इज 1। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द इंटायर वीडियो। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आंसर, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी आर, ओके, आई राइट लेफ्ट साइड स्पीड एंड राइट साइड वेलोसिटी, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर quantity, it is vector quantity. So student, what is the meaning of a scalar quantity, what is the meaning of vector quantity? A scalar quantity are those quantity which have only magnitude, and vector quantity which have both magnitude as well as direction, okay। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, बट इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग? डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ व्हिच ऑब्जेक्ट कवर, बट डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन, ओके। सो दिस इज अ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, it is always positive, okay, and this is it may be positive, negative or zero, okay। So these are the basic difference between speed and velocity. Speed is always positive, but velocity can be positive, negative or zero. If you want, you pause the video and take a screenshot or write down it, okay? I hope guys you like this video. If you like this video, press the like button and share to your friends. If you first time visit our channel, you subscribe also, okay? I meet you in the next video with the next question. Till then, thank you class.